एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने लोगों के रिलेशनशिप में दो तफावत कमाल के देखे हैं। पहला केस, जहां पर लोगों की कोई गलती नहीं होती एंड फालतू में उनका पार्टनर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक या डाउट करता है, तब लोग अपना ना जी जान लगा देते हैं उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में कि उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उनका पार्टनर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। एंड दूसरी चीज, अब दूसरे केस में चीज़ें उलट जाती है, यहाँ पर पार्टनर के साथ वो धोखा करते हैं, खुल्लम खुल्ला उनको चीट करते हैं एंड पार्टनर को उनके मुंह पे भी बोल देते हैं कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुझे धोखा दिया है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। पता है उनका पार्टनर उनके साथ क्या करता है? उनका पार्टनर फिर भी ये बात जानते हुए भी उनको रिक्वेस्ट करता है कि तेरी सारी गलतियाँ माफ़, बस मुझे तेरे साथ रहना है। तो रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट करता है, आपके ऊपर बेवजह शक करता है, तो उनको फालतू में ना चीज़ें एक्सप्लेन करने मत बैठो। एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने लोगों के रिलेशनशिप में दो तफावत कमाल के देखे हैं। पहला केस, जहाँ पर लोगों की कोई गलती नहीं होती एंड फालतू में उनका पार्टनर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक या डाउट करता है, तब लोग अपना ना जी जान लगा देते हैं उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में कि उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उनका पार्टनर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। एंड दूसरी चीज, अब दूसरे केस में चीज़ें उलट जाती है, यहाँ पर पार्टनर के साथ वो धोखा करते हैं, खुल्लम खुल्ला उनको चीट करते हैं एंड पार्टनर को उनके मुंह पे भी बोल देते हैं कि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुझे धोखा दिया है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। पता है उनका पार्टनर उनके साथ क्या करता है? उनका पार्टनर फिर भी ये बात जानते हुए भी उनको रिक्वेस्ट करता है कि तेरी सारी गलतियाँ माफ़, बस मुझे तेरे साथ रहना है। तो रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट करता है, आपके ऊपर बेवजह शक करता है, तो उनको फालतू में ना चीज़ें एक्सप्लेन करने मत बैठो।